हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग पैशन फिटनेस टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवांश। और आज हम बात करेंगे पुशअप के दो नए वेरिएशन की। तो पहला वेरिएशन जो हम बात करेंगे वो है वाइड एंगल पुशअप, मतलब वाइड ग्रिप पुशअप। इसमें ग्रिप वाइड रहेगी और धीरे 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 हम क्लोज ग्रिप पुशअप और डायमंड पुशअप तक आएंगे। ये हमारे ट्राइसेप और चेस्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू डू अ वाइड एंगल पुशअप और वाइड ग्रिप पुशअप। इसमें भी स्टेप्स हैं हर वीडियो की तरह। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमने अपना शोल्डर, स्पाइन और हिप्स स्ट्रेट लाइन में रखने हैं। मतलब उनका ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी स्पाइन ऊपर उठी हुई है या फिर हमारे शोल्डर नीचे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दे शुड बी अलाइंड इन अ लाइन। सो गाइस, इसमें सेकेंड स्टेप ये है कि हमने नोटिस करना है कि हमें स्ट्रेंथ कहाँ से चाहिए। हमें आर्म स्ट्रेंथ तो चाहिए, साथ में हमें चाहिए कोर और ग्लूटल मसल की स्ट्रेंथ। ग्लूटल मतलब हिप मसल। तो हमने अपना कोर और ग्लूटल मसल को एंगेज और टाइट रखना है ताकि हमारे पुशअप्स परफेक्ट हो। गाइस, आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हमने अपने जो स्पाइन है उसको लेंथन कर लेना है। मतलब जितनी स्ट्रेच हो सकती है उतनी स्ट्रेच कर लेनी है ताकि हमारे हिप ऊपर ना उठे, ना ही सैक डाउन हो। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेरी अपर बॉडी बिल्कुल स्टेबल है, वो एक ही लाइन में ऊपर नीचे हो रही है। क्योंकि गाइस, यही सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि जब हम थक जाते हैं तो हम अपने या तो शोल्डर ऊपर कर लेते हैं या अपने हिप अपवर्ड्स कर लेते हैं ताकि थोड़ी थकान कम हो और पुशअप कर सके। गाइस, हमने ये नहीं करना है, हमने एक प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करनी है ताकि उसका इफेक्ट हमारे मसल्स पे आए। सो गाइस, दीज वर द थ्री स्टेप्स जो हमें हमेशा याद रखने हैं वाइड एंगल पुशअप करते हुए। नंबर वन, शोल्डर, हिप्स एंड स्पाइन शुड बी परफेक्टली इन स्ट्रेट लाइन। नंबर टू, टाइटन योर कोर एंड ग्लूट्स। एंड नंबर थ्री, टर्न योर स्पाइन सो दैट योर हिप डू नॉट सैग। सो गाइस, इसके बाद हमने ग्रिप क्लोज ले आनी है और हमने आ जाना है अपने प्लैंक पुशअप पे और आर्मी पुशअप पे। तो गाइस, इसे आर्मी पुशअप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो भी आर्मी की रिक्रूटमेंट या भर्ती होती है उसमें यही वाले पुशअप कराते हैं वो। तो गाइस, इस पे हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है अलग से कि हाउ टू डू अ परफेक्ट पुशअप। आप उसको जाके देखिए और आप इसको बहुत जल्दी सीख जाएंगे। सो गाइस, नाउ हमने और ग्रिप कम कर देनी है और अब हमने आ जाना है अपने डायमंड पुशअप्स पे। डायमंड पुशअप्स में स्टेप वन हमारा रहेगा कि हमने पहले डायमंड बनाना है। डायमंड कैसे बनाना है कि जो हमारे दोनों हैंड्स के थंब हैं उसको साथ में जोड़ना है और जो हमारे दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर या जो सबसे पहली उंगली होती है उन दोनों को जोड़ना है तो हमारा डायमंड बन जाएगा। इसे हम कहते हैं डायमंड पुशअप। ये हमारा हो गया स्टेप वन। इसमें स्टेप टू हर पुशअप वेरिएशन की तरह सेम रहेगा। हमने इसमें क्या करना है, अपनी बॉडी अलाइन रखनी है। जो हमारे शोल्डर, स्पाइन और हिप्स है वो परफेक्टली स्ट्रेट और परफेक्टली अलाइन होने चाहिए। और हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने डायमंड फॉर्म किया है वो हैंड्स हमारे डायरेक्टली चेस्ट के नीचे आए ताकि जो हमारी ट्राइसेप मसल है उस पर जोर पड़े और वही मसल डेवलप हो। सो गाइस, स्टेप थ्री इज दैट यू हैव टू इंश्योर दैट यू डोंट फ्लेयर योर एल्बोस आउट टू द साइड एंड यू हैव टू कीप योर बैक फ्लैट। मतलब कि आपने जो अपनी आपकी कोहनियाँ हैं वो बैक के साथ ही रखनी है और बैक फ्लैट रखनी है, कमर पीछे से ऊपर नीचे नहीं करनी है और जो कोहनियाँ हैं वो बिल्कुल साफ आनी चाहिए जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बेनिफिट्स की। सबसे पहले वाइड एंगल पुशअप्स के बेनिफिट ये हैं कि ये आपके चेस्ट, शोल्डर एंड अपर आर्म्स मसल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड फ्रेंड्स, जो हमारे डायमंड पुशअप्स हैं इनका मेन टारगेट एंड मेन फोकस रहता है आपके ट्राइसेप मसल पे, ये आपके ट्राइसेप मसल को स्ट्रेंथन करते हैं और गर्ल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि जो उनका ट्राइसेप का एरिया होता है यहाँ फैट बहुत जल्दी एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये उसको कट करने के लिए और टोन करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। और गाइस, आपने ये पुशअप्स के वेरिएशन डेली प्रैक्टिस करने हैं, वाइड से लेके पास लेके आने हैं और ट्राइसेप, ये जो डायमंड पुशअप थे ट्राइसेप के लिए थे, ये आपने डेली प्रैक्टिस करने हैं और आपको महीने के अंदर ही पुशअप से सबसे जल्दी फर्क दिखेगा। किसी भी एक्सरसाइज के मुकाबले पुशअप इज द बेस्ट थिंग टू डू एट अ होम वर्कआउट। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।